Hi everyone, welcome to the sociology class. So, today in the series of everyday mock for sociology CUET net 2023, we are going to do our part 27. We have already done 26 parts in this series, and every day we have solved 20 MCQs. आई एम यर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन अगर आपको इस पूरी सीरीज का कंपाइल्ड पी डी एफ चाहिए ओके okay? सो so, आज का जो मॉक है वो स्टैटिस्टिक्स से होने वाला है सारे ही क्वेश्चन मैंने स्टैटिस्टिक्स uh, के रखे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एटलीस्ट टू टू फाइव क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इस यूनिट uh, से सो लेट एस स्टार्ट एंड सी वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू साल्व टूडे आफ्टर दी मॉक यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ मच यू हैव स्कोर्ड ओके क्वेश्चन नंबर वन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज सिमेट्रिकल वेन मीन वैल्यू इज इक्वल टू दैट ऑफ मोड मीन वैल्यू इज इक्वल टू दैट ऑफ मीडियन मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू दैट ऑफ मोड या फिर मीन मीडियन एंड मोड वैल्यूज आर इक्वल डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल कब होता है द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज जब मीन मीडियन मोड की वैल्यूज इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो सिमेट्रिकल है के okay? क्वेश्चन नंबर टू मोड एस सेंट्रल टेंडेंसी कुड बी अंडरस्टूड एस मोड को हम लोग क्या और कह सकते हैं फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट वैल्यू 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 मोस्ट या मेजोरिटी आउट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इजी थियोरिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम मोड द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो भी हमारा डेटा होता है उसमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली वैल्यू होती है वही हमारा मोड होता है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ इज को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड? को एफिशियंट वेरिएशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं ऑलवेज एज अ रेशियो एज अ परसेंटेज एज एन एवरेज या फिर एज अ समेशन द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज परसेंटेज क्वेश्चन नंबर फोर मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग वॉट मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन का यूज करके मीन का यूज करके मोड का या फिर मीन और मीडियन बोथ दोनों का यूज करके किसको यूज करके हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज मीन क्वेश्चन नंबर फाइव द फिगर दैट मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज नोन एज वॉट अभी हमने ये क्वेश्चन करा है देखो अलग तरीके से है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा फिगर होता है एक सेट ऑफ डेटा में मोड मीडियन मीन एवरेज करेक्ट आंसर इज ए दैट इज मोड क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज वॉट स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम द मीन स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द एवरेज मीन डेविएशन या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज मीन डेवीएशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियोरिटिकल स्टैंडर्डियेशन तो सारे ही टर्म्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए ठीक है द करेक्ट आंसर इज ए हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ दिजल वैल्यू जो हमें मीन से मिलती है इस कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ओके ये भी बहुत अलग-अलग तरह से question पूछा जाता है करेक्ट आंसर इज सी दैट इज वेरियंस क्वेश्चन नंबर एट द कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन रेंजेस बिटवीन वॉट को एफिशियंट ऑफ को रिलेशन होता है जो वो किसके बीच में रेंज करता है जीरो एंड वन वन एंड हंड्रेड माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस वन और प्लस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी हमेशा याद रखना को एफिशियंट ऑफ को रिलेशन की जो रेंज होती है वो हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन मीन मीडियन एंड मोड आर वॉट मेजर इन स्केलिंग वेज ऑफ सैम्पलिंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या फिर मेजरस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये तो जिसने अगर सिलेबस को ठीक से पढ़ा होगा तो वो भी ये क्वेश्चन कर लेगा द करेक्ट आंसर इज डी ऑफकोर्स दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन नंबर टेन टेस्टिंग हाइपोथिस इज वॉट इन्फियल स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डेटा प्रिपरेशन डेटा एनालिसिस दिस इज अ नेट पी वाई क्यू आई थिंक किसी तो एग्जाम में यह आया है अगर नेट में नहीं आया है सो द करेक्ट आंसर इज डी दट इज डेटा एनालिसिस नो 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 इट्स ए सॉरी ऑन डेटा एनालिसिस इट्स इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स ठीक है सो टेस्टिंग हाइपोथिस एक तरह का इन्फ्यूएंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन बुगार्डस स्केल कैन बी क्लासिफाइड एज वॉट बुगार्डस स्केल को हम लोग क्या कह सकते हैं नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल या फिर रेशियो द करेक्ट आंसर इज बी और याद रखना बुगार्डस स्केल इज ऑल्सो नोन एज वॉट सोशल डिस्टेंस स्केल ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश आर यूज टू अरेंज वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इसमें से कोई जो स्केल है वो यूज होती है वेरिएबल्स को अरेंज करने में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल रेशियो स्केल या फिर इंटरवल स्केल द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज ऑर्डिनल स्केल ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इसमें से कौन है जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र का चंद्र ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द लिट्रल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन इज वॉट लिटरल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन पूछा है स्कैटनेस कैलकुलेन समर डिफरेंट आंसर इज ए दस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिसम्बलेंस एंड सिमिलैरिटी इज कॉल्ड वॉट स्ट्रेटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर रैंकिंग अगर हम एक ऐसे प्रोसेस की बात करें जिसमें हम डेटा को अरेन्ज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग क्लासेस में ऑन द द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज देन व्हाट वुड बी आंसर द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर एस पी एस एस का फुल फॉर्म बताना है आपको स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिस फॉर सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट फॉर सोशल साइंस रिसर्च सोल्यूशन एंड पैकेज फॉर सोशल रिसर्च स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस The correct answer is D, that is statistical package for the social science. Okay. Question number 17. Footnotes are two kinds. Footnotes are two they? Citation and reference, bibliography and citation, content and reference, index and reference. The correct answer is C, that is content and reference. This is not a part of statistics, but you can say research methodology. Question number 18. Data. डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द रॉ डेटा जब हम रॉ डेटा को रिव्यू करते हैं गैदर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड एरर्स और एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं उसमें ये कौन सा प्रोसेस होता है एडिटिंग कोडिंग क्लासिफिकेशन या फिर अरेंजमेंट? द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज एडिटिंग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कॉपीज ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज इंटरव्यू शेड्यूल क्वेश्चन एयर आर इंक्लूडेड इन वॉट अप ोग्राफी इंडेक्स या फिर रेफरेंस द करेक्ट आंसर इज ए द्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे डैश इज इन डी द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग मीडियन को रिलेशन मीन या फिर मोड एग्जैक्ट सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है द करेक्ट आंसर इज ए दट इज मीडियन सो दैट्स इट फॉर today let लेट मी नो इन द section सेक्शन हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ don't डोंट to subscribe टू सब्सक्राइब इफ योर सोशलॉजी स्टूडेंट प्ले में जाओ बहुत सारा कंटेंट मैंने बनाया है उसको जाके यूज करो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट if इफ योर sociology स्टूडेंट इस पूरी सीरीज का compiled pdf डी एफ यहीं पर मिलेगा और कोई भी पर्सनल डाउट हो सोशलॉजी रिलेटेड तो मुझसे यहाँ पर मेरी पर्सनल आई डी पे मैसेज करके पूछ सकते हो ओके सो थैंक यू वेरी मच गाई कीप लर्निंग कल का जो हमारा मॉक है वो प्रॉपर जी के मॉक होने वाला है फॉर नेट एज वेल एज सीई ओके सो उसको अटेंड करना उसके बाद वी विल डू अ मेगा मॉक ऑफ फोर्टी एमसीक्यूज उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी सो बाय बाय मिलते हैं कल के मॉक में